ज्ञानव्यापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को मंगलवार को अपने फैसले में मुख्य रूप से यह तय करना था कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या फिर नहीं। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच मंगलवार को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाती है। याचिका में वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 के उस निर्देश को भी चुनौती दी गई थी जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को पूरा कराने के निर्देश दिए गए थे। फैसला अच्छा आया हुआ है, हिंदू पक्ष के लिए है और हिंदू पक्ष की जीत हुई है और 6 महीने में सूट जो आज 32 साल से पेंडिंग था उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सर्वे के लिए जो बात की जा रही थी उसको लेकर क्या? सर्वे जो इस केस में ऑर्डर हुआ था तकनीकी तरीके से वो सारे सर्वे होंगे और रिपोर्ट राकेश सिंह के केस में जो थी उसमें रखी जाएगी और उसमें जो बच गए हैं बिंदु उनको पर सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किन बिंदुओं पर चर्चा की? उनका कहना था कि सूट प्रोसीड नहीं कर सकता है, प्लेंट को खारिज कर दिया जाए, वो कोर्ट ने नहीं माना। आगे वो मुस्लिम पक्ष कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो क्या लगता है कि आगे क्या फैसला हो सकता है इसमें? अब हम लोग तो इसी में है कि इसी उसमें कि 6 महीने में सूट तय हो और अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से उनका पिटिशन खारिज हुआ। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वार्ड संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशियसली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए इसलिए तुरंत एक्सपीडिशियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन ASI को भी दिया गया है।